हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं हूं खालिद महमूद, आपका ऑनलाइन ट्रेनर। और आज के इस वीडियोस में हम कवर करने वाले हैं डे 7। तो सबसे पहले मैं सिलेबस ओपन कर लेता हूं, जैसा कि मैंने यहां पे ओपन कर रखा है। यह है हमारा सिलेबस। सिलेबस वाइज हम इस ट्रेनिंग को कंप्लीट कर रहे हैं। तो मैं अगर स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आता हूँ, जैसा कि आप देख रहे हैं, ऑटो कैट ट्रेनिंग सिलेबस। और बाकी जो नीचे है वो कोर्स की आउटलाइन है। ठीक है, मैंने डे 1, डे 2 और डे 3 कवर करते हुए नीचे की तरफ आया हूं और आज हमारा डे है डे 7। ओके, तो ये है हमारा डे 7। डे 7 में हम इन सभी चीजों को आज देखेंगे। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आपको प्रीवियस क्लासेस कहाँ पे मिलेंगी। इसके लिए आपको सीधे आना है यूट्यूब के ऊपर और यहाँ पे प्रेस करना है KHALID खालिद, MAHMUD महमूद। प्रेस कीजिए एंटर। खालिद महमूद मेरा ही नाम है, मैं हूँ खालिद महमूद। और यहाँ पे आप आ जाएंगे चैनल के ऊपर। नीचे भी देखिए आपको प्रीवियस क्लासेस दिख रहे हैं, बट आपको आना है क्लासेस के ऊपर। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो वीडियोज में आपको सारे वीडियोज दिख रहे हैं। डे 6, डे 5, डे 4, डे 3 सारे वीडियोज यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। या फिर अगर आप वीडियोस वाले सेक्शंस में आते हैं तो यहां पे भी आपको क्लासेस अवेलेबल हैं। बाकी मैं नीचे की बात करूं तो ये एक्सरसाइज सिलेबस है, अगर आप प्रैक्टिस के लिए करना चाहें तो इसे भी देख सकते हैं। बट सिलेबस वाइज अगर ट्रेनिंग की बात की जाए वो यहां से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और अगर आप प्लेयरलिस्ट में आते हैं तो यहां पे आपको एक प्लेयरलिस्ट मिलेगा, कंप्लीट ऑटो कैड ऑनलाइन क्लास सिलेबस वाइज हिंदी एंड उर्दू। इसके अंदर आप क्लिक करके भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। ओके, चलिए मैं इसे क्लोज कर देता हूं। ठीक है, क्लोज करने से के बाद मैं ऑटो कैट ओपन कर लेता हूं। ऑटो कैट का मैं 2017 वर्जन यूज कर रहा हूं, यानी कि ऑटो कैट का 2017 का वर्जन मैं यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैं आता हूं, कुछ आपके सवाल देख लेते हैं, जो भी लास्ट टाइम अपने सवाल देख भेजा है मुझे। ठीक है, अशरफुल सर, रोटेट एज रेफरेंस समझ में नहीं आया, एक बार फिर से एक्सप्लेन करें। ओके, इन्होंने मुझे पर्सनली मैसेज किया है व्हाट्सएप पे कि मुझे समझ में नहीं आया। ओके, ठीक है, मैं बता देता हूं आपको रोटेट कमांड के बारे में। चलिए, रोटेट कमांड को देखने के लिए मैं सबसे पहले एक रेक्टेंगल ले लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक रेक्टेंगल ले लिया, रोटेट। अब अगर आप यहां पे रोटेट ले रहे हैं, जिसे शॉर्टकट की गया है RO, मैंने बताया है आपको कमांड बार में, आप देखेंगे यहाँ पे रोटेट दिखेगा, RO फॉर रोटेट। प्रेस किया मैंने एंटर। अब ये पूछ रहा है सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कीजिए आप। प्रेस कीजिए एंटर। अभी देखिए क्या पूछ रहा है नीचे की तरफ, स्पेसिफाई बेस पॉइंट। तो आप एक कोई एक बेस पॉइंट ले लीजिए। ठीक है, अब यहां पे पहला आप कॉपी, ये कॉपी का क्या मतलब है कि आपका ये जो मेन ऑब्जेक्ट है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहां से मैं आपको शो करा देता हूं, ये जो हमारा मेन ऑब्जेक्ट है ना, आप देख रहे हैं जो टर्न कर रहा है वो एज अ कॉपी टर्न करेगा। ओरिजिनल ऑब्जेक्ट जो है वो अपनी जगह पे रहेगा और डुप्लीकेट ऑब्जेक्ट जो है वो कॉपी करके बनेगा। तो आप इसे देख लीजिए, मैं इसे यहां पे शो करा दूं आपको, ये कुछ इस तरीके से, इस तरीके से। देखिए, अगर आप ये बात करें इस रेक्टेंगल की बात करें तो ये हमारा क्या है, ओरिजिनल रेक्टेंगल है। ओके, ये और ये रेक्टेंगल जो है हमारा कॉपी रेक्टेंगल, ये हमारा कॉपी हो रहा है। ओके, तो आप इसे कैसे करेंगे वो हमें दिखाना है, तो मैं इसे कर देता हूं मिनिमाइज। देखिए, तो इसके लिए आपको करना है, यहां पे आना नीचे की साइड और कॉपी प्रेस करना है कॉपी के ऊपर। अगर शॉर्टकट की बात करूं तो C4 कॉपी। तो देखिए, आप एक अलग से कॉपी बनकर आ रहा है और जो भी एंगल डालना चाहें आप वो एंगल यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, 45, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे आप लिख कर भी आ रहा है रोटेशन एंगल और ये 45। प्रेस कीजिए एंटर। तो ये क्रिएट हो गया हमारा एज अ कॉपी विथ रोटेट। तो यहां से अगर आप इसे चेक करना चाहें एंगुलर कमांड से तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी मैं इसे दोनों को इरेज कर देता हूं। अशरफुल का क्वेश्चन क्या है कि सर कॉपी एज रिफरेंस, सॉरी रोटेट एज रिफरेंस अगर मुझे करना है तो हम कैसे करेंगे। ओके, आप देख लीजिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपकी लाइन जो है
वो कुछ इस तरीके से है। ओके, आपको इस हिसाब से, इसका एंगल मुझे नहीं मालूम है, इसे रिफरेंस मानकर इसे आपको रोटेट करना है, तो कैसे रोटेट करेंगे? तो चलिए देखते हैं रिफरेंस कमांड। तो आपको क्या करना है, रोटेट कमांड लेना है, शॉर्टकट की है आर ओ, ठीक है, या फिर यहाँ पे मॉडिफाई पैनल में मिलेगा आपको रोटेट कमांड, प्रेस कीजिए आर ओ के बाद एंटर। पूछ रहा है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, तो आपने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लेना है, प्रेस करना है एंटर। ठीक है, कमांड बार में आपको दिखा रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो आपने इस बेस पॉइंट को ले लिया। ठीक है, अभी क्या कर रहा है रिफरेंस, तो आप इस रिफरेंस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, अभी यहाँ पे हमें दो पॉइंट लेना है। ठीक है, अब इस दो पॉइंट में आप इसे एक फर्स्ट यहाँ पे क्लिक कीजिए और सेकेंड ये। ठीक है, दो पॉइंट दिख गया हमें। अभी नीचे की तरफ दिख रहा है पॉइंट, इस पॉइंट पे क्लिक करना है। फर्स्ट ये पॉइंट हो गया हमारा और सेकेंड पॉइंट हमारा ये हो गया। ठीक है, और हमें इसे क्लिक कर लेना है। तो देखिए इसके जैसा ही बिल्कुल ये रोटेट हो गया है। ओके, अगर मैं बात करूं कुछ एक रेक्टेंगल क्रिएट करके, मैं यहां पे बात करूं इस तरीके से, इस रेक्टेंगल को इसके जैसा हमें शो करना है, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, आपको लेना है फिर से देखिए आर ओ फॉर रोटेट कमांड, प्रेस कीजिए आप आर ओ। ठीक है, यह है फर्स्ट वाला रोटेट, सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, प्रेस एंटर। क्या करना है अभी, बेस पॉइंट, ये हमारा बेस पॉइंट हो गया। ठीक है, रेफरेंस के लिए आर फॉर रेफरेंस, आप बिल्कुल मिड पॉइंट पे क्लिक कीजिए इसके दोनों के। रेफरेंस आपने ले लिया है, अभी क्या करना है, पॉइंट सिलेक्ट करने है, तो सो पी फॉर पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देन सेकेंड पॉइंट। ओके, देखिए ये हो गया। अब इसे आप आराम से मूव कराएंगे तो बिल्कुल ये लाइन के ऊपर आकर सेट हो जाएगा। ये देखिए आप बिल्कुल लाइन पे करेक्ट है। तो इस तरीके से आप रोटेट एज अ रेफरेंस यूज कर सकते हैं। ओके, मैं इसे इरेज कर देता हूं, ई फॉर इरेज। अभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं अपने सिलेबस की तरफ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रोटेट एज अ रेफरेंस क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट्स नहीं आए होंगे। आगे की तरफ मैं आता हूं, चैम्फर ब्लेंड कर्व, सॉरी फिलेट देखते हैं। सबसे पहले फिलेट है हमारा, तो फिलेट के लिए मैं आ जाता हूं अपने ऑटोकैड कमांड के ऊपर। फिलेट हमें कहां पे मिलेगा इसकी बात मैं अगर करूं, तो मॉडिफाई पैनल में मुझे यहां पे ड्रॉप डाउन करेंगे तो फिलेट कमांड मिलेगा। देख रहे हैं आप, मॉडिफाई के अंदर इस ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको फिलेट कमांड मिलेगा। ठीक है, तो इसके शॉर्टकट्स क्या होते हैं मैं इसके लिए आपको दिखा दूं। यहां पे हमने जो टेक्स्ट की टैक्सेशन करते हैं, टेक्स्ट की फाइल जो है हमने बना रखी है, ठीक, जिसमें मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। ये है वो, आज हम बात करूं डे सेवन की, तो फिलेट कमांड। ठीक है, इसका शॉर्टकट कमांड होता है एफ, एफ फॉर फिलेट एंटर। अगर मैं बात करूं स्टेप्स की, तो मैंने आपको नोट्स भी दे रखा है, उसे आप डाउनलोड कर लो, बहुत ही बेनिफिशियल होगा आपके लिए। ठीक है, अगर यहां पे मैं बात करूं तो सिलेक्ट फिलेट कमांड फ्रॉम मॉडिफाइड टूल बार, टूल बार से हमें सिलेक्ट करना है, देन प्रेस करना है आर फॉर रेडियस, स्पेसिफाई फिलेट रेडियस, और मैं वैल्यू पुट करनी है रेडियस की, देन सेलेक्ट लाइन फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, और इसके बाद दो लाइन सेलेक्ट करनी है, फिर फिलेट कर लेना है। आइए यहां पे देखते हैं अपने ऑटो कैड पे। इसके लिए मैं एक लाइन क्रिएट कर लेता हूं, पहले एक लाइन मैंने क्लिक किया और मैं ऑर्थो ऑन कर लेता हूं। ठीक है, लाइन में क्रिएट कर लेता हूं 10, एंटर, अगेन ये रहा हमारा 10। ठीक है, हमने एक लाइन क्रिएट कर ली आपको एक्सप्लेन करने के लिए। एफ सेवन से मैं ग्रिड ऑफ कर देता हूं। ठीक है, फिलेट लेना है, शॉर्टकट की आपने क्या देखा, शॉर्टकट की एफ फॉर फिलेट, प्रेस कीजिए एंटर, फिलेट कमांड एक्टिवेट हो गया है। अब नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, कुछ चीजें देख रहे हैं आप, अंडू, पॉलीलाइन, रेडियस, स्ट्रीम और मल्टीपल। आप सबसे पहले मैं बात करता हूं रेडियस की, जो सबसे ज्यादा यूज होता है। रेडियस ने लिया, रेडियस एज ए रेडियस वैल्यू मुझे पुट करनी है, तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं 3, प्रेस किया मैंने एंटर। ठीक है, जब ये करने के बाद अगर मैं यहां पे आ रहा हूं फर्स्ट पॉइंट और सेकंड, तो देख रहे हैं आप कि ये जो पोर्शन है, देखिए कर्व हो रहा है, क्लियर। चलिए मैं इसे कंट्रोल जेड से वापस आता हूं और मैं इसके कई कॉपीज कर लेता हूं। कॉपी कमांड का पता है आपको, सीओ या फिर सीपी एंटर, फर्स्ट कॉपी, सेकंड सेलेक्ट कीजिए, सीपी कॉपी, यहां पे आप मोड एक्टिवेट कर लीजिए मल्टीपल। ठीक है,
क्लिक कीजिए आप, एक ये हो गया हमारा, कई कॉपीज मैंने कर लिया यहाँ पे। ओके मैं इसे थोड़ा सा मूव कर लेता हूं, एम फोर मूव, कई कॉपीज हमने कर ली है यहाँ पे। अभी मैं आगे देखने वाला हूं, एफ फोर फिलेट एंटर, आर फोर रेडियस, ठीक है, और रेडियस का वैल्यू मुझे पुट करना है यहाँ पे 3, प्रेस किया मैंने एंटर। ये होने के बाद अगर आप आगे की तरफ देखेंगे यहां पे दिख रहा है ट्रिम, मैं जब ट्रिम के ऊपर क्लिक कर रहा हूं तो यहां पे पूछ रहा है ट्रिम नो ट्रिम, ठीक है, मैंने क्लिक किया नो ट्रिम के ऊपर और मैं भी यहां पे देख रहा हूं फर्स्ट और सेकेंड। अभी क्या देख रहे हैं आप कि नो ट्रिम करने के बाद ये जो हमारा एक्स्ट्रा जो पार्ट दिख रहा है ये ट्रिम नहीं हो रहा है, इसे बाद में हम ट्रिम करेंगे, टी आर डबल इंटर करके मैं इसे ट्रिम कर लूंगा, ठीक है, इस तरीके से। अगर आपने वहां से ट्रिम को एक्टिवेट करके नहीं रखा है तो आपको वो चीजें ट्रिम नहीं होंगी। आगे मैं बात करूं, एफ फॉर फिलेट, आर फॉर रेडियस, मैंने वैल्यू डाला 3, एंटर। अभी क्या करना है मुझे, यहां पे ट्रिम लेना है तो मैंने ट्रिम किया यहां पे और मैंने यहां पे कर लिया ट्रिम, यानी अब ट्रिम होगा। फर्स्ट लाइन सिलेक्ट कीजिए और सेकेंड लाइन, तो देखिए अब ट्रिम हो रहा है। तो ये चीजें थी ट्रिम की बात। अगेन मैं लेता हूं फिलेट, एफ फॉर फिलेट एंटर, ट्रिम पहले भी एक्टिवेट कर सकते हैं आप ट्रिम, और यहां पे आप कर लीजिए ट्रिम, ठीक है, तो आपकी चीजें ट्रिम होगी। अगर मैं बात करूं आगे की तरफ, जैसे कि यहां पे देखिए मल्टीपल दिख रहा है, रेडियस देखा हमने, ट्रिम देखा, मल्टीपल दिख रहा है तो मल्टीपल पे मैंने क्लिक किया तो देखिए यहां पे आप फर्स्ट सेकेंड, तो क्या हो रहा है, हमें कमांड से बाहर नहीं आ रहे हैं हम, और हम इसे दूसरे कमांड पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, ठीक। मैं कंट्रोल जेड करके वापस पीछे की तरफ आया हूं, ठीक है, यहां तक क्लियर है। एक मैंने लाइन को कॉपी किया है, जब मैं फिलेट कर रहा हूं, एफ फॉर फिलेट, ठीक है, रेडियस लिया हमने, जो भी वैल्यू मैंने डालना है 3, एंटर, और यहां पे मैंने क्लिक कर रहा हूं फर्स्ट और सेकेंड। देखिए आप, मैं कमांड से बाहर आ जा रहा हूं, यहां पे कोई भी कमांड रन करता नहीं दिख रहा है आपको, ओके। अगर मैं एफ फॉर फिलेट, आर फॉर रेडियस, 3 की जगह पे मैंने 5 ले लिया, एंटर, और हम यहां पे अगर यूज करें मल्टीपल कमांड का, मल्टीपल, तो क्या देखेंगे हम कि जैसे ही आप फिलेट करते जाएंगे कमांड से आप बाहर नहीं, देखिए यहां पे कमांड एक्टिवेट है फिलेट, ठीक है, फर्स्ट सेकेंड, मैं कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा हूं, अपने आप ये कमांड एक्टिवेट है जिसकी वजह से ये फिलेट कर पा रहा है आराम से, ठीक है। अभी और भी ऑब्जेक्ट होगा तो और भी ऑब्जेक्ट को ये फिलेट कर लेगा। तो यहां पे आपने क्या देखा, रेडियस, ट्रिम और मल्टीपल, 3 चीजें देख ली आपने। अंडू है तो मतलब पीछे की तरफ आ जाएगा, देखिए बैक आ रहा है ना, तो ये चीज है। अभी बचता है पॉलीलाइन, तो इसे भी आप समझ लीजिए। जैसे कि मैं इसे इरेज कर देता हूं, कंट्रोल ए और ई फॉर इरेज कर लिया हमने। मैं एक लाइन क्रिएट कर रहा हूं पॉलीलाइन से, फर्स्ट, और इसका मैंने मेजरमेंट लिया 10, एंटर, अगेन अपर साइड 10, देन अगेन 10, एंटर, 10, एंटर, ऐसा ही ले लेते हैं आप। अगर आप रेंडमली लेना चाहें तो आप रेंडमली ले सकते हैं आप, ठीक है। और ये देखिए आपने एक लाइन क्रिएट की है, इस लाइन को हमने पॉलीलाइन से क्रिएट की है। मैं अगर एक लाइन कमांड से ले लेता हूं यहां पर ही, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, बट एग्जाम्पल के तौर पे समझाने के लिए बता रहा हूं आपको, ठीक है। अभी हम यूज करने वाले हैं फिलेट, मैं यहां से ले लेता हूं फिलेट कमांड, ठीक है। फिलेट लेने के बाद आपको ले लेना है पॉलीलाइन, बट इससे पहले आप समझ लीजिए, जब यहां पे क्लिक कर रहे हैं ये ज्वाइन एंटिटीज में दिख रही है, देख रहे हैं आप, ज्वाइन एंटिटीज है ये। अगर यहां पे मैं बात करूं तो ये सिंगल एंटिटीज है, ठीक है, एक दूसरे को टच तो कर रहा है बट ये सिंगल एंटिटीज में है, या फिर ऐसा कर सकते हैं ये पार्ट वाइज है, ये एक ज्वाइन मोड में है, ओके। अभी मैं यूज करूंगा फिलेट का पॉलीलाइन, एफ फॉर फिलेट, एंटर किया हमने, यहां पे नीचे की तरफ देखेंगे पॉलीलाइन, रेडियस जो भी आपको डालना है, मैंने रेडियस डाला फॉर एग्जाम्पल 5, एंटर, ठीक है, देखिए ये फिलेट हो गया है। बट इससे पहले मैं जरा आपको ये दिखा दूं कि मैं यहां पे ले रहा हूं फिलेट, ठीक है, यहां पे पॉलीलाइन मैंने सेलेक्ट किया,
रेडियस मैंने डाला यहाँ पे 5, एंटर, और हमने यहाँ पे इसे फिलेट कर लिया है। ठीक है, अभी यहां से आगे की तरफ होता है तो ये भी फिलेट करता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। अगर इसी चीज को अगर यहां पे आप अप्लाई करते हैं, फिलेट पी फॉर पॉलीलाइन, रेडियस में डाला 5, तो ये चीजें इसके ऊपर अप्लाई नहीं होंगी। ओके, तो ये था हमारा फिलेट कमांड। आई होप कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं आई होगी, आप भी प्रैक्टिस करें। ठीक है, क्योंकि ये भी यूजेस, इसके भी यूजेस हमारे प्रोजेक्ट पे होने वाला है। ओके, तो मैं इसे कर देता हूं इरेज, यहां से मैं कर देता हूं इरेज। ओके, नेक्स्ट अपने सिलेबस की तरफ चलते हैं। फिलेट कमांड हमने देख लिया है, अभी बात आती है चैम्फर कमांड की। ओके, चैम्फर कमांड हमें कैसे देखना है, इसके लिए फिर मैं ऑटो कैड पे आता हूं। चैम्फर कमांड में कहां पे मिलेगा, इसके लिए आपको मॉडिफाई पैनल में आना है, यहां पे आपको मिलेगा चैम्फर कमांड। फिलेट के ड्रॉप डाउन लिस्ट में हमें चैम्फर कमांड मिल जाएगा। ओके, या फिर अगर आप जाएंगे ड्रॉप पैनल में भी तो मिल जाएगा, मॉडिफाई पैनल में। ओके, यहां पे मॉडिफाई है, क्लिक करके भी आएंगे तो यहां पे चैम्फर और फिलेट चीजें अवेलेबल मिलेंगी आपको। ओके, तो बिल्कुल इसके लिए मैं एक रेक्टेंगल ले लेता हूं, REC फॉर रेक्टेंगल। ठीक है, मैं जरा सा इसको ऑन कर लेता हूं, ठीक है, डायनेमिक इनपुट को, जिससे हमें दिखे हमें क्या क्या कर रहे हैं। D फॉर डायमेंशन, मैंने रेक्टेंगल बताया आपको कैसे करना है, 10, एंटर, 10, एंटर, हमने एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लिया है। एक और रेक्टेंगल ले लेते हैं, REC, एंटर, D फॉर डायमेंशन, 10, एंटर, 20, एंटर। ठीक है, दो रेक्टेंगल हमने ले लिया है। अब ये आपको समझना ये है यहां पे कि चैम्फर किस तरीके से यूज होता है। तो आपको पहले मैं यहां पे अपने नोट्स के ऊपर दिखा दूं आपको, चैम्फर कमांड का शॉर्टकट की होता है CHA। अगर मैं स्टेप्स की बात करूं तो आपको चैम्फर कमांड पहले सेलेक्ट कर लेना है टूल बार से, D फॉर डायमेंशन डाल लेना है उसकी, क्योंकि इसके अंदर दो डायमेंशन होते हैं। उसके बाद डालना है डिस्टेंस, एज अ डिस्टेंस, दो डिस्टेंस हमें प्रेस करना है। फर्स्ट चैम्फर जिसे करना है उसे सिलेक्ट कीजिए आप, और सेकेंड वाले को सिलेक्ट कीजिए आप, तो ये क्रिएट हो जाएगी। ओके, चलिए इसको समझते हैं थोड़ा। शॉर्टकट की क्या देखा आपने, CHA फॉर चैम्फर कमांड, प्रेस कीजिए एंटर। क्या लेना है हमें, देखिए यहाँ पे बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, बिल्कुल वैसा ही है। ठीक है, डिस्टेंस, स्ट्रीम वगैरह, मैं इन सभी चीजों को एक्सप्लेन करके टाइम नहीं लेना चाहूंगा। डिस्टेंस कमांड पे आना है हमें, और मुझे दो डिस्टेंस वैल्यू पुट करनी है, दो डिस्टेंस। मैं आपको जरा इसे इस तरीके से बता देता हूँ चैम्फर किस तरीके से काम करता है। मैंने ये ले लिया। ठीक है, चैम्फर की बात की जाए अगर, तो मैं यहां से देखिए आपको दिखा देता हूं, ये चैम्फर कुछ इस तरीके से काम करेगा आपको। ठीक है, चैम्फर इस तरीके से काम करेगा, यानी कि इस पोर्शन को ये कट करके कुछ इस तरीके से शो कराएगा। यहां से अगर लेते हैं आप तो ये, ओके, यहां से बात करूं मैं तो कुछ इस तरीके से, और ये कुछ इस तरीके से। ठीक है, अभी बात होता है ये ट्रिम करना है तो ये ट्रिम कर सकते हैं। इसके अंदर क्या हो रहा है, दो डिस्टेंस, पहला ये डिस्टेंस लेना है हमें, और दूसरा डिस्टेंस हमें कुछ इस तरीके से इसे लेना है। और फिलेट में क्या हो रहा था, कुछ इस तरीके से कर्व क्रिएट हो रहा था, यू बात की जाए तो ऐसा। ठीक है, कुछ इस तरीके से हो रहा था फिलेट में। और चैम्फर में क्या होता है कि मैं इसे इरेज करके दिखा दूं आपको, ठीक है, तो कुछ इस तरीके से, यानी ये चीजें कवर करेगा ये। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए, दो डिस्टेंस, पहला डिस्टेंस इसकी डिस्टेंस चाहिए और दूसरी इसकी डिस्टेंस चाहिए, तो दोनों डिस्टेंस हमें वैल्यू पुट करनी है। तो आ जाइए आप अपने ऑटो कैड पे, क्या लेना है हमें, चैम्फर कमांड, CHA फॉर चैम्फर, प्रेस कीजिए एंटर। अभी क्या बोल रहा है ये, नीचे देखिए हमें डिस्टेंस लेना है, तो D प्रेस भी कर सकते हैं आप, या फिर आप नीचे की तरफ आकर D यहां से सेलेक्ट भी कर सकते हैं। तो अभी यहां पे पूछ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट चैम्फर डिस्टेंस, तो मैंने यहां पे डाला एग्जांपल के तौर पे 5, प्रेस किया मैंने एंटर। तो अब देखिए नीचे फिर से लिखकर आ रहा है स्पेसिफाई सेकेंड चैम्फर डिस्टेंस, तो यहां पे आप पुट कीजिए वैल्यू 5, या फिर मैं 5 की जगह पे कुछ ज्यादा लेता हूं 10, एंटर।
दो डिस्टेंस ले लिया है। आपको ध्यान रखना है कि पहला डिस्टेंस कितना लिया है 5 और दूसरा लिया है हमने 10। तो जिस भी लाइन को आप सिलेक्ट करेंगे पहली बार तो वो डिस्टेंस 5 होगी। जैसे मैं इसे सिलेक्ट किया तो ये चैम्फर होगा तो ये 5 होगा और इसे चैम्फर करेंगे तो ये 10 होगा। ठीक है, काफी बड़ा है इसलिए ऐसा दिख रहा है। तो मैं थोड़ा सा एक इस पे ही देखते हैं, कंट्रोल जेड करता हूं मैं, अगेन लेते हैं सी एच ए फॉर चैम्फर कमांड, डी फॉर डिस्टेंस, यहां पे मैं डिस्टेंस डालता हूं 2, एंटर, दूसरा डिस्टेंस डालता हूं मैं 4, एंटर। दो डिस्टेंस लिया हमने। फर्स्ट लाइन को सिलेक्ट कीजिए आप, जो अगर डिस्टेंस क्या होगा इसका 2 होगा। सेकेंड लाइन को हमने सिलेक्ट किया ये, ठीक है। तो ये चीजें होकर आएंगी। अभी आगे की तरफ सोचिए क्या करना है हमें, कैसे हमें मालूम चलेगा कि 5 कौन सा है और 10 कौन सा है। इसके लिए आप यहां से मेजरमेंट से चेक कर लीजिए, लाइनर कमांड लीजिए, फर्स्ट पॉइंट सेकेंड पॉइंट, यहां पे ऊपर की तरफ देखिए, फर्स्ट में 2 लिया था और सेकेंड क्या लिया था हमने 4। तो बिल्कुल आप इस पॉइंट से यहां पे आकर इस पॉइंट पे क्लिक कीजिए और यहां पे आप देखेंगे तो ये रहा हमारा 5 4। ओके, मैं आपको इस तरह से समझा दूं थोड़ा, इस तरीके से कुछ इस तरीके से, ठीक है। जो आप फर्स्ट डिस्टेंस देते हैं चैम्फर का तो वो जिस पहले आप लाइन को सिलेक्ट करेंगे तो वो डिस्टेंस होगा हमारा। सेकेंड जो आप डिस्टेंस डालते हैं वो जब दूसरी बार आप जो सिलेक्ट करेंगे तो वो चीजें होंगी, ठीक है। तो ये फर्स्ट है हमारा और ये सेकेंड है। अगर मैं अपने प्रोजेक्ट की बात करूं, जैसे कि यहां पे मैं प्रेस कर रहा हूं इंटर तो वो एक्टिवेट हो गया। सॉरी, चैम्फर लीजिए आप, सी एच ए फॉर चैम्फर। अभी यहां पे मैं किसी भी वैल्यू को नहीं कर रहा हूं तो देखते हैं क्या निकल कर आता है। पहली मैं लाइन को इसे सिलेक्ट कर रहा हूं और दूसरा मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूं, तो क्या हो रहा है कि इससे पहले जो आपने चैम्फर डिस्टेंस लिया था उसी चैम्फर डिस्टेंस को इसने एक्टिवेट किया है, ठीक है। क्लिक कीजिए आप, तो आपने क्या देखा, फर्स्ट हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया, सेकेंड हमने इस लाइन को सिलेक्ट किया। तो आप यहां से अगर मेजरमेंट से चेक करेंगे तो फर्स्ट पॉइंट टू सेकेंड पॉइंट, तो ये डिस्टेंस आपका 2 हो गया। अगेन आप देखिए, अगर आप इसे चेक करेंगे फर्स्ट पॉइंट तो ये 4 हो गया, क्लियर। इस तरीके से हम चैम्फर कमांड को कवर कर लिया हम लोगों ने। अभी आपको मैंने जो एक्सरसाइज दिया है वहां पे चैम्फर कमांड से रिलेटेड बहुत सारे एक्सरसाइज हैं जो कि मैंने ग्रुप में ऑलरेडी दिया है। और हाँ, अगर आपने ग्रुप में ज्वाइन नहीं हुए हो तो ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, वहां पे हम लोग और भी चीजें डिस्कस करेंगे कि किन किन चीजों को किस तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है। मैं आगे बढ़ने से पहले मैं दूसरा कमेंट देख लूं, कि एक कमेंट आया है व्हाट्सएप ग्रुप पे, मैंने एक भाई ने मुझसे कहा है कि कोई भी कमांड को बताने से पहले उसके बारे में उससे बताना जरूरी होता है, फिर उस कमांड को मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल एंड सिविल इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करना जरूरी होता है सर, जिससे उनको समझ में आ जाए। ओके, तो अभी जो मैं बता रहा हूँ मेरे भाई, अभी मैं कमांड बता रहा हूँ आपको, आगे जब हम प्रोजेक्ट पे चलेंगे ना तो उन सभी चीजों को हम यूज करेंगे वहां पे। अगर मैं प्रोजेक्ट पे जाऊं तो काफी ज्यादा टाइम चला जाएगा, ठीक है। और बोल रहे हैं कि सबका माइंड शार्प नहीं होता, आप एक वीडियोस को में 5-6 कमांड एक ही वीडियोस में कवर कर देते हो सर, मिनिमम एक वीडियोस में एटलीस्ट 2-3 कमांड बता सकते हो अगर कमांड ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो तो। भाई मेरे आपको, मैं आपको कैसे एक्सप्लेन करूं, हाँ चलिए मैं बता देता हूं कि अगर मैं 1-2 कमांड लेकर जाऊं तो काफी ज्यादा टाइम हो जाएगा हमें इस ऑटो कैड को कवर करने में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की रिक्वायरमेंट है कि सर 3ds मैक्स भी सिखाइए। तो मैं इसके बाद 3ds मैक्स पे आने वाला हूं, ठीक है। तो इसके लिए मैं आपको जल्द से जल्द कवर करना चाहता हूं, ठीक है। आपको मुझे उम्मीद है कि मिल गया होगा। अच्छा, सभी के माइंड शार्प नहीं होते। अच्छा भाई, अगर आप धीरे धीरे समझ पा रहे हो तो एक वीडियोस को, इसी वीडियोस को बार बार देखो आप, जब तक आपका क्लियर ना हो जाए टॉपिक और मुझसे डिस्कस कर लो आप, फिर आगे दूसरी टॉपिक को देखो, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, डिस्कस करो आप, ठीक ना। जो भी दिक्कत आएगी, मैं आपको पता है कि टीम वीवर से, जूम के थ्रू या फिर मैं कॉल पे भी आपकी पूरी हेल्प करता हूं, ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा क्या है।
ब्लेंड, ठीक है, ब्लेंड कर्व्स क्या है इसे देखते हैं। ये तो मैंने अभी तक सिविल में यूज नहीं किया है, मैकेनिकल में इसका यूज होता है जब आप स्प्रिंग वगैरह की यूज स्प्रिंग वगैरह बनाते हैं तो। ठीक है, मैं एक लाइन ले लेता हूं सिंपल, मैंने एक लाइन ले लिया 30 की। अगेन मैं इसी लाइन को क्या कर रहा हूं, कॉपी कर ले रहा हूं, सी पी कॉपी नीचे की साइड। ठीक है, ब्लेंड बी एल ई एन, ब्लेंड का बी एल ई एन होता है शॉर्टकट कमांड, बी एल ई, हाँ बी एल ई होता है शॉर्टकट कमांड। या फिर अगर आप इसे एक्टिवेट करना चाहते हैं तो कहां से मिलेगा आपको ये चीजें, यहां पे मिलेंगी, सॉरी यहां पे मिलेगा। ठीक है, फिलेट के अंदर ही ड्रॉप डाउन लिस्ट में आपको ब्लेंड कर्व मिल जाएगा, फिलेट के अंदर ही। ठीक है, यहां से सिलेक्ट करना है आपको फर्स्ट लाइन और सेकेंड लाइन, देख रहे हैं आप, मतलब मैंने यहां पे क्लिक किया था, ये हमने क्लिक किया फर्स्ट और मैंने यहां लिया सेकेंड, तो ये इस तरीके से कर्व हो गया। अगेन ले लीजिए आप, अगर यहां पे लिया आपने और यहां पे कुछ इस तरीके से, तो ये इस तरीके से कर्व हो जाएगा। ठीक है, ये सिविल में यूज नहीं होता है, मैकेनिकल वालों के लिए ये यूज होता है, जैसे कि आपको स्प्रिंग बनाना है, हेलिकल गियर में तो नहीं, बहुत सारी जगहों पर यूज होता है, स्प्रिंग में ज्यादातर यूज होता है। वैसे मैं लास्ट टाइम में प्रोडक्शन की ड्राइंग बना रहा था तो मैंने वहां पे यूज किया था ब्लेंड कमांड का। ओके, 3D में ज्यादा यूज होता है इसका, 2D में यूज नहीं होता है। मैंने एक्सरसाइज ही बना रखा है इसके ऊपर, ठीक है ना, ब्लेंड कमांड से एक स्प्रिंग बनाकर दिखाया है मैंने, तो आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। ओके, अब मैं आगे की तरफ बढ़ू, अगर अपनी सिलेबस की तरफ, तो देखिए स्ट्रेच कमांड, ठीक है, स्ट्रेच कमांड क्या होता है मैं उसे देख लेते हैं। तो ये चीजें हैं, मैं इसे डिलीट कर दूं, कंट्रोल ए, ई फॉर इरेज कर लिया हमने। फिर मैं एक रिक्टेंगल यहां पे मैं क्रिएट कर रहा हूं, रिक्टेंगल का डायमेंशन जो है डी फॉर डायमेंशन 20 × 20 × मैंने 20x20 की एक रिक्टेंगल क्रिएट कर लिया यहां पे। इस यूसीएस को ऑफ कर लीजिए आप, कहां पे आना है आपको, व्यू में, और मैंने इस यूसीएस को ऑफ कर लिया। ओके, चलिए स्ट्रेच कमांड की बात करूं, सबसे पहले शॉर्टकट कमांड की मैं बात करूं तो एस एंटर होता है, आप आ जाइए अपने नोट्स के ऊपर, स्ट्रेच, हाँ ये देखिए स्ट्रेच कमांड का एस एंटर है, क्या कर रहा है, ऑलवेज यूज क्रॉसिंग विंडो, हमेशा ये क्रॉसिंग विंडोज की यूज करते हैं इसमें, और इसको ज्यादा समझना, ये बहुत ही ज्यादा यूज होगा हमारे सिविल वालों के लिए, तो बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है, मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट कमांड कर सकते हैं ऑफसेट और स्ट्रेच कमांड। ठीक है, आ जाइए यहां पे आप, शॉर्टकट कमांड देखा हमने, एस फॉर स्ट्रेच, देखिए आ भी रहा है। अगर मैं दूसरी बात करूं कि ये मॉडिफाई पैनल में कहां पे मिलेगा, तो ये रहा हमारा स्ट्रेच, स्ट्रेच कमांड ले लिया। अभी देखिए यहां पे मैं क्रॉसिंग को समझना है, क्रॉसिंग विंडोज, मैं यू राइट टू लेफ्ट लेकर आ रहा हूं, कहां पे, राइट टू लेफ्ट लेकर आ गया मैं। अगर मैं इसे बताऊं, मैं इसको आपको स्क्रीनशॉट करके बता देता हूं, पेंट ओपन करते हैं, पी ए आई एन टी पेंट, और यहां पे मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देखिए ये जो हमारा क्रॉसिंग विंडो दिख रहा है ना, इसे आप व्हाइट में कर लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं जिसे मैं क्रॉस कर रहे हैं, ये जो पार्ट है हमारा, ये पार्ट यानी इधर से इधर का पार्ट, राइट साइड का पार्ट जो है, ये हमारा स्ट्रेच होगा। आप एग्जांपल के तौर पर ये समझो, आपने रबर देखा है, तो रबर को जिस तरीके से आप खींचते हो तो स्ट्रेच करता है ना, बिल्कुल वैसा ही है ये, आपके ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर लेगा। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन ये है कि आपको राइट टू लेफ्ट सिलेक्ट करना है, और ये जो सिलेक्शन आ रहे हैं इसे ही वो स्ट्रेच करके बाहर की साइड लेकर जाएगा, पूरे पार्ट को नहीं, इतना ही आपको ये स्ट्रेच करेगा आगे की तरफ, यानी कि ये हो गया हमारा इनर पार्ट, और ये बात करूं मैं आउटर पार्ट, तो आउटर पार्ट को नहीं, वो इनर पार्ट जितना सिलेक्शन हुआ है उसे ही वो स्ट्रेच करेगा। तो आते हैं अपने ऑटो कैड के ऊपर, देखिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया, प्रेस कीजिए एंटर, किसी भी एक पॉइंट पे क्लिक कीजिए आप, कोई भी एक पॉइंट ले लिया हमने, और देखिए आप ये स्ट्रेच कर रहा है ना। तो ये चीजें, अगर मैं बात करूं कंट्रोल जेड कर लेता हूं, और यहां से आप लाइनर कमांड लेकर इसका मेजरमेंट कर लीजिए आप, यू, ठीक है, 20 दिख रहा है, आप इस थोड़ा सा मैं इसे चेंज कर देता हूं डायमेंशन स्टाइल, मॉडिफाई, यहां पे आने के बाद प्राइमरी यूनिट की जगह पे फिट में आइए, ओवरऑल स्केल 5 कर लेते हैं हम, या फिर मैं यहां पे 5 की जगह पर 10 कर लेता हूं। ओके, देन प्रेस कीजिए ओके, क्लोज।
ठीक है, देख रहे हैं आप 20 दिख रही है। अब मैं इसे स्ट्रेच करने जा रहा हूं। स्ट्रेच का शॉर्टकट कमांड क्या बताया मैंने, एस फॉर स्ट्रेच, और मैंने इसे सेलेक्ट कर लिया, यू प्रेस किया हमने एंटर। बिल्कुल आप कहीं से भी दूसरे पॉइंट से भी ले सकते हैं। ये क्लिक किया, कितना स्ट्रेच करना है, 20+20 फॉर एग्जाम्पल, 20 इसके अंदर एड करना है मुझे, तो मैंने यहाँ पे 20 प्रेस किया और एंटर कर लिया। तो देखिए ये जो हमारा रेक्टेंगल था वो अभी 40 का हो गया, 40/20 की। तो ये चीज है स्ट्रेच कमांड। अगर मैं आपको इस तरीके से बताऊं, एस फॉर स्ट्रेच, सेलेक्ट किया हमने इसे, एंटर, और अगर ऑर्थो ऑफ कर रहे हैं आप तो देखिए आप ये कुछ इस तरीके से, मैं यहां से ऑर्थो ऑफ कर लेता हूं, ठीक है। तो देखिए आप जितना मैं सिलेक्शन लिया था उस पार्ट को ये स्ट्रेच कर रहा है, क्लियर, इस तरीके से। कंट्रोल जेड कीजिए, अगर आप चाहें तो अपर साइड का तो उसे भी कर सकते हैं, जैसे कि मैं मेजरमेंट से यहां पे ले लेता हूं फर्स्ट पॉइंट और ये सेकंड पॉइंट 20 है। अब क्या करना है, स्ट्रेच करना है, एस फॉर स्ट्रेच कमांड, सिलेक्ट कीजिए अपर साइड, देखिए ग्रीन से ही ले रहे हैं हम, ये हम ब्लू वाले को नहीं ले रहे हैं, ध्यान रखना है आपको, ठीक, हमें इस ग्रीन वाले सिलेक्शन लेना है, ग्रीन वाला लिया हमने, प्रेस किया एंटर और अपर साइड कितना करना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 30 रखनी है, तो आप क्या देखेंगे 20 में 30 ऐड होकर ये 50 की एक रेक्टेंगल क्रिएट हो गई, 50/40 की, ठीक है। अगर मैं आपको प्रोजेक्ट की बात करूं, मतलब आपने इसे भी कुछ बच्चों ने किया था कि सर आप उसे एक्सप्लेन कीजिए सिविल मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रिकल के ड्राइंग के ऊपर, तो मैं यहाँ पे आ जाता हूँ और देखिए यहाँ पे एक एक्सरसाइज है, एक प्लॉट है, इस प्लॉट पे मैं आ गया, देखिए यहाँ पे देख रहे हैं आप, अभी क्वेश्चन ये एक स्ट्रेच कमांड में यहाँ पे यूज करना है। अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं ये क्या है, हमारा डोर है, इस डोर को मुझे मूव करके इस पॉइंट पे रखना है, कहां पे रखना है, इस पॉइंट पे, या फिर इस डोर को हमें इस पॉइंट पे रखना है, तो आप क्या करोगे, इसे सिलेक्ट करोगे और यहां से मूव करोगे, आप यहां से उठाओगे मूव करके और इस पॉइंट पे लाकर रखोगे, फिर बाकी की चीजों को ट्रिम करोगे, फिर एक्सटेंड करोगे, ठीक है। तो ऐसा करने से आपकी टाइम ज्यादा होगी, खर्च होगी, तो आपको क्या करना है, यहां पे स्ट्रेच कमांड लेना है, सो एस फॉर स्ट्रेच, सिलेक्ट कर लो आप, यू सेलेक्ट कर लिया, प्रेस करो एंटर और बिल्कुल इस पॉइंट पे आ जाओ आप, जहां से आपको स्ट्रेच करना है, किया हमने क्लिक कर लिया, और आपको क्या करना है, इस पॉइंट पे आकर यहाँ पे क्लिक कर लेना है। जब यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो देखो आप सारी चीजें स्ट्रेच होकर एकदम प्रॉपर वे में दिख रही है, तो ये चीजें हैं। या फिर फॉर एग्जाम्पल आपकी रिक्वायरमेंट हो गई ये 6.9 है और इसको कुछ स्ट्रेच करके और भी ज्यादा करना है, या फिर इसे 1 feet 3 inches और एड करना है इसके अंदर ताकि ये 8 feet की हो जाए, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रेच कमांड लेनी है, सेलेक्ट किया हमने एंटर और अपर साइड यहां से ही ले लीजिए आप, क्लिक कीजिए अपर साइड, कितना डालना है मुझे 1 feet 3 inches, तो देखिए ये 8 feet की हो गई। अगर आपको कम करना है तो बिल्कुल वैसा ही आप कम कर सकते हैं, स्ट्रेच कमांड लिया, सिलेक्शन ले लेंगे आप, एंटर क्लिक कीजिए डाउन साइड की तरफ, कितना 1 feet, एंटर 7 feet हो गया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है, बहुत ही यूज होता है इसका, ठीक ना, तो आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। ये प्लान बनाया गया है, ठीक है ना, एग्जाम्पल इसे हम बनाना सीखेंगे पूरी चीजों को आगे, ठीक है ना, सारी चीजों को एक एक करके हम लोग आगे सीखेंगे कैसे बनाते हैं। तो मैं इसे भी क्लोज कर देता हूं, चलिए अपने ड्रॉइंग पे आ गए, स्ट्रेच कमांड क्लियर है, ओके इसे क्लोज कर देता हूं। ओ शिट, आगे की तरफ बढ़ते हैं, ये रहा, ठीक है। हमने क्या देखा, फिलेट चैम्फर ब्लेंड स्ट्रेच भी देख लिया हमने, अभी आना है हमें स्केल के ऊपर, स्केल कमांड क्या है, ओके इसे देखने के लिए आपको आ जाना है ऑटो कैड के ऊपर, ये हमारा ऑटो कैड सॉफ्टवेयर है, मैं इसे इरेज कर लेता हूं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रेक्टेंगल ही लेता हूं, एक रेक्टेंगल ले लिया हमने 20/20 की, ठीक है, 20/20 की एक रेक्टेंगल हमने क्रिएट कर ली है। अभी मुझे स्केल करना है इसको, स्केल करने से पहले मैं यहाँ पे आप थोड़ा मेजरमेंट करके चेक करा दूं आपको कि ये 20 की ही है रेक्टेंगल। अगेन मैं यहां से ही, ठीक है,
स्केल कमांड है, स्केल कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है, एस सी, आप नोट भी कर लो, एस सी फॉर स्केल, या फिर आपको कहां पे मिलेगा ये, मॉडिफाई पैनल में आएंगे, स्ट्रेच के बिल्कुल बगल में मिलेगा हमें स्केल कमांड, स्केल कमांड है। अभी क्या करना है, इसे आप स्केल करना है तो आप पूरे को ओवरऑल को सिलेक्ट कर लो, प्रेस करो आप एंटर। यहां पे देखो बोल रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट, तो ये हमें बेस पॉइंट हमने ले लिया। अभी यहां पे समझना है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैं बता रहा हूं आपको, ठीक है ना, यहां पे यही समझना है हमें। मैं उस तरीके दिखा देता हूं, देखिए आप यहां पे दो चीजें देख रहे होंगे, ठीक है, जैसे मैं यहां पे प्रेस करता हूं टू, ठीक है, यहां पे आप देखिए ये जो चीजें हैं, एक अलग रेक्टेंगल दिख रहा है और एक ये अलग रेक्टेंगल दिख रहा है। इसमें दो चीजें क्या होती है, अगर ये हमारा रेक्टेंगल 20/20 की है और मैं स्केल फैक्टर 2 ले रहा हूं, तो आपको ये चीज यहां पे मैं दिखाऊं, SCAL स्केल कमांड को देख रहे हैं हम, यहां से मैं, ये हो गया हमारा स्केल, नीचे की तरफ आए आप, एस सी होता है शॉर्टकट की हमारा। अब यहां पे देखिए ये मल्टीप्लाइन में ये फैक्टर करता है, मल्टीपल होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल कितने का है, 20 का है, अगर आप इस पे स्केल 2 डालेंगे तो इसे मल्टीप्लाई करेगा, ये कितने बार में, मल्टीप्लाई 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 40, तो वो चीज यहां पे दिखा रहा है, जैसे यहां पे आ जाइए आप, तो यहां पे अगर आप 2 प्रेस कर रहे हैं और एंटर करेंगे तो ये देखिए कि 40/40 की ये रेक्टेंगल हो गई, ठीक है। अगर आपको इसको छोटा करना है, मतलब अगेन आपको 20/20 की रेक्टेंगल क्रिएट करनी है, तो आप क्या करेंगे, तो बिल्कुल वैसा ही है, हाफ करना है हमें, तो यहां पे जैसे फॉर एग्जांपल आपका रेक्टेंगल कितने का है, ऑलरेडी 40 की रेक्टेंगल है, हाफ करना है आपको, तो आप मल्टीप्लाई कीजिए 0.5 से, तो आपको क्या हो जाएगा, आउटपुट क्या मिलेगा, 20, ओके। जैसे यहां पे ही देख लीजिए आप, या फिर आप कैलकुलेटर ओपन कीजिए, कंट्रोल 8 से आप कैलकुलेटर ओपन कर लेंगे और यहां पर भी आप देख सकते हैं वो चीजों को, कैसे देखेंगे, 40 है हमारा, ये हमारा 40, मल्टीप्लाई कितना करना है हमें 0.5 से, 0.5, और ये आपने वैल्यू देखा, तो देखिए 20 आ रही है, ये चीज है। अभी हम उसे ही देखने वाले हैं, शॉर्टकट की क्या है हमारा, एस सी हमारा स्केल का शॉर्टकट की हो गया, प्रेस कीजिए एंटर, सिलेक्शन लेना है हमें, मैंने सिलेक्शन ले लिया, प्रेस किया मैंने क्या, एंटर, एंटर लेने के बाद, अभी आप समझना यहीं पे है, एंटर लेने के बाद बेस पॉइंट हमने सिलेक्ट किया है, जैसे आप बेस पॉइंट ले रहे हैं तो क्या दिखा रहा है कि आपको यहां पे स्केल का फैक्टर डालना है, कॉपी रिफरेंस, बिल्कुल वैसा ही है ये भी, हाँ जो मैंने पीछे की चीज बताया है, तो मैं फोकस करता हूं मेन ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो हमारा स्केल फैक्टर यहां पे डालना है, मैं डाला 0.5, मैंने बताया था कि ये जो 40 है ये हाफ हो जाएगा 20/20 की, प्रेस कीजिए एंटर, तो देखिए 20/20 का हो गया, ये चीजें। तो इस तरीके से हम स्केल कमांड को देखते हैं, ठीक है, बाकी की चीजें हम प्रोजेक्ट पे देखेंगे ही कि क्या क्या यूजेस है इसके। अब मैं आगे की तरफ बढ़ूं अगर, तो ये ड्रॉ ऑर्डर, यहां पे देख रहे हैं आप ड्रॉ ऑर्डर, ये ड्रॉ ऑर्डर क्या है, इस चीज को देख लीजिए आप, तो मैं जरा इसे ये कर लेता हूं, कंट्रोल ए से मैं इसे इरेज कर लेता हूं। मैं कुछ चीजें यहां पे क्रिएट कर रहा हूं, जैसे कि मैं एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेता हूं, ठीक है, अगेन मैं एक सर्कल ले लेता हूं यहां से, सर्कल कुछ इस तरीके से, और बात करें आगे की तरफ मैं कुछ एलिप्स क्रिएट कर लेता हूं, सेंटर एलिप्स एक्सिस लेता हूं, ये फर्स्ट और ये सेकेंड, और कुछ इस तरीके से तीन चीजें हमने क्रिएट कर ली है। अगर मैं एक बात करूं यहां से, तो मैं एक चीज और भी ले लेता हूं, पॉलीगॉन ले लेते हैं ना, यहां से मैं एक पॉलीगॉन ले लेता हूं, नंबर्स ऑफ साइड्स 4, ये सेंटर पॉइंट हो गया हमारा, ठीक है, कुछ इस तरीके से। देखिए आप, ये अलग अलग चीजें हैं, ठीक है ना, और सबको मैं अलग अलग कलरिंग दे रहा हूं यहां से, ये हो गया हमारा रेड,
ठीक है। और ये हो गया हमारा फॉर एग्जाम्पल येलो, ये वाइट है, और इसे मैं कर देता हूँ यहाँ से ब्लू, और सभी को सिलेक्ट करके या फिर इसके अलग अलग थिकनेस भी दे देते हैं हम, ठीक है। इसकी थिकनेस अलग दे देता हूँ मैं, और इसकी थिकनेस भी अलग दे देते हैं हम कुछ ये, और फिर इसकी थिकनेस हम कुछ ये 30, ठीक है। अब आपको पता है कि यहाँ से ऑन कर लेना है हमें लाइन विड्थ, या फिर एल डब्ल्यू प्रेस करेंगे आप तो लाइन विड्थ को डिस्प्ले करा सकते हैं आप, ओके। तो देखिए आप अब यहाँ पे एक चीज देखेंगे आप कि ये जो चीजें हैं है ना, ये लाइन जो है वो येलो वाली लाइन के ऊपर की तरफ है। अगर इसे आपको पीछे की साइड दिखाना है, मतलब बैक साइड पे पीछे की साइड, तो क्या करेंगे आप, आपको क्या करना है, इसे सिलेक्ट करना है और यहां पे आएंगे, ठीक है, स्ट्रेच करेंगे तो यहां पे आपको मिलेगा। अब यहां पे यूज करना है सेंड टू बैक, तो आप यहां पे देखिए आप ये ऊपर की तरफ है, मैं इस तरीके से शो करा देता हूं इसे, देखिए यहां पे ये जो लाइन है हमारा, ये लाइन वो येलो वाली लाइन के ऊपर की साइड है। अगर आप इसे पीछे की साइड भेजना है आपको, मतलब इसे बैक साइड मुझे भेजना है, तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, या फिर येलो वाला लाइन को आपको ऊपर की साइड दिखाना है, सबसे ऊपर की तरफ, तो आप क्या करेंगे, जैसे कि ये देख रहे हैं आप, ये एलिप्स हमारा सबसे ऊपर की साइड दिख रहा है, उसके नीचे व्हाइट है, देन अगेन ये आपको पॉलीगॉन है, फिर रेक्टेंगल दिख रहा है आपको। इसके लिए ही हम यूज करते हैं ड्रॉ ऑर्डर का। आपको इसे सिलेक्ट करना है सबसे पहले, और आ जाना है मॉडिफाई बार में, और यहाँ पे आपको मिलेगा ड्रॉ ऑर्डर, और यहां से आप सेंड टू ब्रिंग टू फ्रंट, मतलब अगर आपको आगे की तरफ दिखाना है तो ब्रिंग टू फ्रंट यूज कीजिए, अगर आपको पीछे की तरफ करना है तो सेंड टू बैक, ये मैं क्लिक करूंगा सबसे पीछे चला जाएगा ऑब्जेक्ट, सबसे ऑब्जेक्ट जो है सबसे पीछे चला जाएगा, क्लिक कीजिए आप, देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो सबसे पीछे, इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, एक एक ऑब्जेक्ट, इसे भी मैं थोड़ा बड़ा इतना कर लेता हूं, ठीक है ना, हर जो भी है वो एक दूसरे को टच करता दिखे हमें, या फिर मैं इसे थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं यहां तक, ठीक है। देखिए अभी आप यहां पे अगर ध्यान से देखेंगे, बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है, ये रेड जो है जो सबसे पीछे की तरफ चला गया है, उसके बाद क्या आ रहा है, येलो है ना, उसके बाद है व्हाइट, और ये इसके बाद दिख रहा है एलिप्स। अगर आपका क्वेश्चन ये है कि इस येलो वाले को, ठीक है ना, देखिए यहां पे ध्यान दीजिए आप, इस येलो वाले को इस व्हाइट वाले के ऊपर की तरफ हमें शो कराना है, तो सिलेक्ट कीजिए आप इसे और आ जाइए कहां पे, मॉडिफाई पैनल में, स्ट्रेच करते हुए ब्रिंग एवव ऑब्जेक्ट, दूसरे ऑब्जेक्ट से ऊपर की तरफ, तो देखेंगे आप कि ये देखिए आप ऊपर की नहीं आया, तो आपको यहां पे क्लिक करना है सबसे पहले ब्रिंग एवव ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहले करना है सिलेक्ट ऑब्जेक्ट, जिस सिलेक्ट ऑब्जेक्ट को आपको ऊपर की तरफ करना है, ये हो गया हमारा, प्रेस कीजिए एंटर। अब किस ऑब्जेक्ट के ऊपर दिखाना है वो सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया, अगर मैं व्हाइट वाले को सिलेक्ट करूंगा तो ये येलो वाला जो है व्हाइट वाले के ऊपर की तरफ आ जाएगा, क्लिक किया मैंने और इंटर, तो देखिए आप यहां पे देख रहे हो ऊपर की तरफ आ गया है। अब यहां पे देखें अगर, तो ये रेड वाला जो है वो येलो वाले के पीछे की साइड है ना, और आपको क्या करना है, इस रेड वाले को येलो वाले के ऊपर की तरफ लाना है, तो आप क्या करेंगे, अगेन आपको यहीं पे आना है इस तरीके से, ब्रिंग एवव ऑब्जेक्ट, सबसे पहले उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है जिसे हमें ऊपर लाना है, तो मैंने इस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया, इसे हमें ऊपर की तरफ लाना है, प्रेस कीजिए एंटर। किसके ऊपर लाना है, किस ऑब्जेक्ट के ऊपर लाना है, उस सेकेंड रिफरेंस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए और प्रेस कीजिए एंटर, तो आप यहां पे देखेंगे कि ये ऊपर की तरफ आ गया, क्लियर, शायद कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए एक ऑब्जेक्ट, एक एक्सरसाइज पे देख लेते हैं इसे, ये हमारा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जो आप देख रहे हैं क्लियर है, कोई डाउट है इसके ऊपर, नहीं ना। अभी मैं इसे यहां पे हैचिंग कर लेता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल H4 हैच, ठीक है, और मैंने यहां पे सॉलिड हैचिंग से हमने हैचिंग कर ली, ये इसकी हैचिंग करता हूं मैं, है ना, एंड, ओ एक मिनट, ये हैच है बट इसकी ट्रांसपेरेंसी ज्यादा है, मैं इसे कम कर लेता हूं,
ठीक है। इसकी कलर जो बाई लेयर रखा है मैंने व्हाइट ले लिया यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो, आप अगर मैं इसे मूव कर दूं साइड में, ठीक है, कंट्रोल जेड, इन सभी को मैं मूव करता हूँ यहाँ से, एम फॉर मूव, ठीक है, कुछ इस तरीके से मैं मूव करना होगा, एम फॉर मूव कीजिए आप, कुछ इतना मूव कर लिया हमने इसे। और अभी मैं हैचिंग कर रहा हूं इसे, एच फोर हैच, और मैंने इस ऑब्जेक्ट पे भी, हम यहां पे भी हमने हैच कर लिया ये, ठीक है। ये कलर ले लिया, ट्रांसपेरेंसी आप कम कर लीजिए यहां से, ठीक है, एंटर कर लिया, ठीक है। और आप इस अपने कॉलम को बिल्कुल यहां पे फिर से फिक्स कर लीजिए यू, ठीक है, आप इसे मैच कर लीजिए, हैचिंग को एम ए फॉर मैच और इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे देख रहे हैं आप, अभी कभी कभी क्या होता है कि जब आप हैचिंग कर रहे होते हो, ये तो मैंने प्रॉपर वे में बनाया है, ये हैच है हमारा, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, अगर मुझे इसे पीछे की तरफ करना है तो क्या करेंगे आप, यहाँ पे आएंगे मॉडिफाई में, और ये है हमारा सेंड टू बैक, तो ये आपको पीछे की तरफ चला गया, ठीक है। आपका कॉलम तो है बट दिख नहीं रहा है, क्या हुआ है, वो पीछे की तरफ चला गया है। अभी आप इसी तरीके से सिलेक्ट कीजिए और फिर राइट क्लिक करके भी कर सकते हैं आप, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको मिलेगा आइसोलेट, नहीं क्लिपबोर्ड, सॉरी मुझे थोड़ा सा ड्रॉ ऑर्डर, ये देखिए आप देख रहे हैं आप, और यहाँ पे करना है आपको सेंड टू बैक, तो ये पीछे की तरफ चला गया, क्लियर। तो वो चीजें हम वहां पे यूज करेंगे, इसके लिए आपको इन चीजों की जानकारी होनी बहुत ही जरूरी है, ओके। मैं आपको दिखा दूं अपना प्रोजेक्ट जो आपके साथ इन सभी चीजों को हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है ना, जो हम आगे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं एक एक कमांड को पूरी तरीके से, इसमें हम सभी चीजों को हम कवर अप करेंगे, ओके। मैं इसे क्लोज कर देता हूं। तो मुझे उम्मीद है कि ड्रॉ ऑर्डर आपको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं है आपको, कोई डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बताओ, व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो जाओ, जिससे कि बहुत सारी चीजें हम आपके साथ डिस्कस कर सकें। आगे की तरफ बढ़ जाते हैं हम, सिलेबस है हमारा, ड्रॉ ऑर्डर आपको समझ में आ गया। अभी है एरे कमांड, बहुत ही ज्यादा यूज होने वाला है ये, बहुत ही ज्यादा, बट मैं जो है ना इस एरे कमांड को नेक्स्ट लेक्चर में कवर करूंगा। मैं सबसे पहले कुछ एक्सरसाइज कर लेता हूं इन चारों के ऊपर, ठीक है। तो मैं यहां से एक्सरसाइज ओपन करता हूं, ठीक है, कहां पे रखा है, मैं ऑनलाइन क्लासेस के अंदर आप ऑटो कैड प्रैक्टिस एक्सरसाइज, ठीक है, इसे ओपन कीजिए। इन सभी चीजों को करते हुए आप नीचे की तरफ आ जाइए, बिल्कुल नीचे की तरफ, ठीक है। अभी हम इसे देखते हैं, कॉपी कमांड कैसे कॉपी करना है हमें, ठीक है, कॉपी कैसे करेंगे हम, उस चीजों को यहां पे हम क्लियर कर लेंगे, ठीक है ना, इसके ऊपर, और हम मूव कमांड को भी देखेंगे इसके ऊपर। तो सबसे पहले मुझे क्या करना है, एक लाइन क्रिएट करनी है 50/30 की, तो आप यहां पे आ जाइए अपने ऑटो कैड पे, और इसे मैं इरेज कर देता हूं। एल फॉर लाइन, 50/30 अगेन 50 अगेन 30, एंटर। आपने ले लिया इसे, जो कि यहां पे हमने एक्सरसाइज में देखा कि ये चीजें कितने बाय कितने की है, 50/30। अभी मुझे एक रेक्टेंगल क्रिएट करना है 6/6 का, तो आप इसके लिए, आपको मैंने बताया है क्या करना है, एक रेक्टेंगल करना है क्रिएट, और उसी रेक्टेंगल को हर जगह पे प्लेस कर लेना है, अपनी अपनी जैसे भी जगह दिया है, फर्स्ट पॉइंट ये है, सेकंड ये, और थर्ड ये है। बट इससे पहले मुझे कॉपी करना है इन तीनों लाइनों को, तो लाइन का डिस्टेंस गैप कितना दिया रखा है, 12.5, इस लाइन को हम ऊपर की तरफ कॉपी करेंगे, 12.5, सॉरी राइट साइड की तरफ, और इसे हम 10 डिस्टेंस ऊपर की तरफ कॉपी करेंगे। तो यहां पे आइए, सी पी शॉर्टकट कमांड आपको पता है, प्रेस कीजिए एंटर, सेलेक्ट करना इस ऑब्जेक्ट को, प्रेस करना है एंटर, किसी एक पॉइंट पे ले लीजिए आप, ये हमारा पॉइंट है, अपर साइड कितना करना है हमें, 10, तो मैंने 10 ले लिया,
प्रेस एंटर। अगेन एक और लेना है, उसमें ऐड करना है 10, तो ये हो गया हमारा 20, 10 प्लस 10 20, यानी कि यहां से इस तरीके इस डिस्टेंस 20 होगी, यहां से लेकर यहां तक का डिस्टेंस। ओके, ये हमारा 10 और ये हमारा 10, प्रेस कीजिए एंटर। उसी तरीके से इस लाइन को भी लेना है मुझे, तो आप कीजिए सी टी कॉपी, प्रेस किया एंटर, सिलेक्ट किया हमने इसे, प्रेस किया एंटर। अभी यहां से लेना है मुझे, पॉइंट पिक कीजिए, कितना 12.5, याद रखना है आपको, जैसे आपने देखा वहां पे 12.5, एंटर। फर्स्ट हमारा हो गया ये 12.5 का। अगर मैं सेकंड की बात करूं तो क्या होगा, आपको ऐड करना है उसके अंदर 12.5 यानी 25, एंटर। अगेन आप उसमें 12.5 ऐड कीजिए, तो क्या हो जाएगा हमारा, ठीक है, तो हो जाएगा ये हमारा 12.25 यानी 37.5, एंटर और एंटर। तुमने कॉपी कमांड से इसे क्रिएट कर लिया है, जो कि आप यहां पे देख रहे हैं, इस लाइन को हमने क्रिएट कर लिया है। अब इस रिक्टेंगल को क्रिएट करना है, 6/6 की रिक्टेंगल लेनी है, तो आ जाइए ऑटो कैड पे आप, और कहीं पे भी जरूरी नहीं, वहां पे यहां पे आप कर लीजिए रिक्टेंगल, आर ई सी फॉर रिक्टेंगल, प्रेस कीजिए इंटर, डी फॉर डायमेंशन, सॉरी आर ई सी रिक्टेंगल, क्लिक करना है डी फॉर डायमेंशन, कितना 6, एंटर, अगेन 6, एंटर। क्लियर है ये? अब यहां से सिलेक्ट कीजिए और इसे मूव करना है, मूव, ठीक है, एम फॉर मूव, मूव कर लीजिए आप, देखिए बिल्कुल ज्योमेट्रिक पॉइंट से लेना है हमें, और हमने यहां पे इस पॉइंट पे लाकर हमने मूव कर लिया। क्लियर? अब अगर यहां पे मैं देखूं अपने एक्सरसाइज पे, तो ये चीजें फर्स्ट पॉइंट, सेकंड जो है इस लाइन के मिड पॉइंट पे है, देन एंड पॉइंट पे, अगेन मिड पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे, हमें इस तरीके से कॉपी करना है। तो सी ओ फॉर कॉपी, एंटर किया हमने, सिलेक्ट किया हमने ऑब्जेक्ट को, प्रेस अगेन किया मैंने एंटर, बिल्कुल इस रेक्टेंगल का हमें ज्योमेट्रिक पॉइंट ले लेना है, फर्स्ट पॉइंट, और इस लाइन का हमारा मिड पॉइंट मिलेगा, देखिए कहां पे है, ये हमारा मिड पॉइंट और ये हमारा एंड पॉइंट, अगेन वैसा ही ये हमारा मिड पॉइंट। इफेक्ट से आप ऑर्थो ऑफ कर लीजिए, यहां पे दिखेगा, ठीक है, अगेन ये हमारा कॉपी हो जाएगा, अगेन हमें यहाँ पे मिड पॉइंट पे ले लेना है, और इस तरीके से यहाँ मिड पॉइंट, और फिर हमें यहाँ पे मिड पॉइंट पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। आगे चलते हैं हम एक्सरसाइज के ऊपर, अभी मुझे सर्कल क्रिएट करने हैं, ठीक है, कितना सर्कल 12.5 की, सॉरी 3 रेडियस का हमें सर्कल क्रिएट करना है, तो मैं आ जाता हूं ऑटो कैड के ऊपर, सी फॉर सर्कल, रेडियस क्या है 3, एंटर, सेलेक्ट कीजिए इसे, एम फॉर मूव, बिल्कुल इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाकर आप प्लेस कर लीजिए, यहां पे आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट मिल जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अभी इस यहां पे मुझे 3 लगाना है, तो सी पी फॉर कॉपी, ऑब्जेक्ट को हमने सिलेक्ट किया, एंटर, बिल्कुल इस सेंटर पॉइंट पे आ गए। आप चाहे तो यहां पे एरे भी यूज कर सकते हैं, एरे नंबर्स ऑफ आइटम 3, एंटर, 3 चाहिए हमें, और आप यहां से फिट कर लीजिए कि कहां तक लेकर आना है आपको 3, तो मुझे यहां तक रखना है 3, ठीक है, इसी तरीके से हमारा था ना, क्लियर। तो ये चीजें हैं, अभी मैंने आपको मिरर कमांड ही बताया है, तो आप क्या करना है, मिरर कमांड यहां से ले लीजिए और इस तरीके से इन सभी को सिलेक्ट कीजिए, एम आई फॉर मिरर आपने पहले ले चुके हैं, मिरर ऑब्जेक्ट, सॉरी एम आई फॉर मिरर, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कीजिए, एंटर, और बिल्कुल इन दोनों के बीच में, अभी देखिए इन दोनों के बीच में यहां पे पॉइंट दिख रहा है आपको, एक मिड पॉइंट पे क्लिक कीजिए, और यू दूसरे पॉइंट के बिल्कुल मिड पॉइंट पे क्लिक करना है। आपको बताया है मैंने, अगर आप सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करना चाहते हैं, यानी ये हमारा ओरिजिनल ऑब्जेक्ट है, अगर आप इसे इरेज करना चाहते हो तो यस कर लो, अगर आप इसे इरेज करना नहीं चाहते, कॉपी करना चाहते हो तो नो कर लो आप, तो ये हमारा क्रिएट हो गया। अभी आपका क्वेश्चन ये होगा कि सर इसके जैसा नहीं दिख रहा, इसमें क्या हमने इस लाइन को लाइन विथ अलग डाली है, इसकी लाइन विथ अलग डाली है, ठीक है, आप वो भी चीजें यहाँ पे शो कर सकते हैं। जैसे मैंने इसे सिलेक्ट किया और हमने यहाँ पे लाइन विथ डाली, सॉरी यहाँ पे मैंने लाइन विथ डाली 30, ओके, आप यहाँ पे मैच कर लो, एम ए फॉर मैच प्रॉपर्टीज, आप इसे सिलेक्ट करो और इसे मैच कर लो, है ना, तो आपका जो भी ड्रॉइंग है वो बिल्कुल
प्रॉपर वे में दिख जाएगा। क्लियर। इस छोटे से एक्सरसाइज में ही हमने क्या क्या देखा, कॉपी, मूव, मिरर, कॉपी का एरे कमांड देखा हमने और लाइन कमांड क्रिएट करना देखा इस छोटे से एक्सरसाइज पे ही। क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताना आप। और यहां पे मैंने आपके लिए बहुत सारे एक्सरसाइज दे रखे हैं, आप करो, किसी भी तरीके का प्रॉब्लम आए तो मुझे मैसेज करो। आप इसे भी बनाओ, बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये, मजा आएगा। ठीक है, आगे की तरफ। ओके, ये तो मिरर कमांड से होगा। मैं आपको बताऊंगा, मिरर कमांड नहीं, ठीक है, इसे बनाए हम, मिरर कमांड का यूज भी हो जाएगा इसके ऊपर। ठीक है, हम इसे ही बनाने वाले हैं, यहां से इसे क्रिएट करेंगे। आपको तो समझ में आ रहा है, ये 45 की लाइन है हमारी, तो हम इसे ही देखते हैं। यहां पे इसे साइड कीजिए आप, एल फोर लाइन, देखिए लाइन का डिस्टेंस दे रखा है यहां पे 40 और ये 45 का एंगल है। तो आ जाइए यहां पे, यहां से हमने प्रेस किया पॉइंट और ये हमने ले लिया 40 डिस्टेंस है लाइन का और एंगल क्या है हमारा 45। एंटर। क्लियर। और आगे की तरफ अगर हम बात करें तो ये है हमारा 15 और ये भी हमारा 15 है। तो अब ऑर्थो ऑन कर लीजिए, ये हमारा 1 5 15। ठीक है, अब इसे क्या करना है, मुझे मिरर कर लेना है, एम आई फॉर मिरर। यहां से आप क्लिक कीजिए, इफेक्ट कीजिए आप तो समझ में आएगा। देखिए, यानी कि आपको इस तरीके से बिल्कुल इसका रेफरेंस लेकर मुझे यहां पे कुछ ऐसा, ठीक है, क्रिएट का क्लिक किया हमने, नो। ये होने के बाद अगेन लाइन लीजिए आप इस पॉइंट से, सॉरी इसी पॉइंट से, और इस पॉइंट को ऐड कर दीजिए और इस पॉइंट से इस पॉइंट को ऐड कर लीजिए। एक हमारा बनकर तैयार हो गया है। ठीक है, आप चाहे तो एज अ रेफरेंस भी लाइन यूज कर सकते हैं, यू कुछ स्ट्रेट के लिए ऑर्थो ऑन कर लीजिए। अब क्या करना है आपको, इसे सेलेक्ट कर लेना है इन सभी को, एम आई फॉर मिरर, और बिल्कुल इस पॉइंट से यहां पे, ये जो है ना हमारा एंड पॉइंट, यहां से क्लिक करके अपर साइड की तरफ क्लिक करना है और नो। आप इसे सेलेक्ट कीजिए और अगेन इसे सेलेक्ट कीजिए। ठीक है, एम आई अगेन मिरर कमांड लीजिए और यहां से आप यू क्लिक नो। तो देखिए आप, मिरर कमांड से आपने इसे क्रिएट कर लिया, बिल्कुल आपका जो भी हमारा एक्सरसाइज है, समझ रहे हैं आप। तो ये चीजें हैं, मिरर कमांड है ना, हमारे काम को बहुत ही आसान कर देता है, बहुत ज्यादा आसान कर देता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से कीजिए, ये देखिए सारे एक्सरसाइज हैं, आप करें, आपको कोई भी दिक्कत आई तो मैं आपको बताता हूं। ठीक है, ऑफसेट कमांड भी हम देख लेते हैं। ओके, ऑफसेट कमांड भी हम, चलिए ऑफसेट कमांड हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आप एक्सरसाइज करो, कोई भी दिक्कत आए आप मुझसे पूछो, आपको मैंने पूरी फ्रीडम दे रखी है कि आप मुझे कॉल कर सकते हो, टेक्स्ट मैसेज कर सकते हो, आप ग्रुप में डिस्कशन कर सकते हो आप, या फिर आप हमारे साथ जूम पे भी कनेक्ट हो सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको फिर भी नहीं आता है तो आपके लिए तीसरा ऑप्शन मैं बता दूं कि पेड ट्रेनिंग है। ठीक है, आप उसमें आप पेड ट्रेनिंग हमसे ले सकते हो, जो भी आपकी फीस होगी, चार्जेस होगी, तो वहां से भी आप हमारे साथ कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में। सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। ठीक है, मेरी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी यार। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में, आप मुझे दीजिए इजाजत, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर टाइम, टाटा, बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।